रेनबो बेसिकली है क्या, जब बारिश पड़ी और रुक गई और उसके बाद बादल छट गए और सन की रेज आ रही हैं, सूरज भी निकल आया, तो अगर सूरज यहाँ से आया, सन यहाँ से आया, तो रेनबो आपको सामने नज़र आती है। अब ऐसा हो क्या रहा है? रेनबो के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, मान लो ये ऑब्जर्वर है और मान लो बारिश होके चुकी है, तो पानी के पार्टिकल्स हवा में होंगे जो प्रिज्म की तरह काम कर रहे हैं या डेंसर मीडियम की तरह काम कर रहे हैं। रेज आती हैं, सनलाइट आएगी, वो सात रंगों में तो टूटेगी टूटेगी, जिसको डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो कि डेंसर मीडियम है, पानी प्रिज्म की तरह काम कर रहा है, सात रंगों में वो टूट गई। अब सात रंग होना तो ये चाहिए था कि सनलाइट आई, सात रंग हुए और वो आगे चलेगी, रिफ्रैक्शन होगी, बात खत्म, ऑब्जर्वर खड़ा रह गया, ऑब्जर्वर को कुछ दिखा नहीं। पर हुआ क्या, जब लाइट आई, पानी के पार्टिकल में एंटर हुई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर क्या हुआ, इसको बाहर निकल जाना चाहिए था, पर यहाँ पर TIR हो गया, TIR भी हुआ। अब लाइट बाहर की बजाय अंदर आ गई, फिर TIR हुआ, लाइट यहाँ पर आई, रिफ्रैक्ट होके मेरी आईज में आई, तो ये लाइट मुझे एकदम क्लियर नजर आएगी और मुझे लगेगा कि रेन की कलर यहाँ से कहीं से आ रहा है, ये वॉयलेट कलर की बात हो रही है। ऐसी सात रंग में तो टूटना है, डिस्पर्शन तो होनी है, पर सात के सात रंग घूम के दो बार TIR के बाद मेरी आंख में आ रहे हैं, तो मेरे को ऊपर कलर वॉयलेट और नीचे रेड नजर आएगा। अब देखो कितनी चांस की बात है, पहले तो बारिश पड़े, पार्टिकल टिक जाए हवा में, फिर सन रे की लाइट आए, और फिर दो बार TIR भी हो, और ना हुई तो लाइट सीधी गई, कोई रेनबो नहीं, और अगर TIR हो गई तो फिर रेनबो है। अब TIR भी होना जरूरी है, डिस्पर्शन भी होना जरूरी है, इसलिए रेनबो पूरी कई बार बनती भी नहीं है, कुछ पोर्शन दिखता है, कुछ दिखता भी नहीं है। इवन रेनबो कभी उल्टी भी दिख सकती है, वॉयलेट ऊपर रेड नीचे, ऐसा भी दिख सकता है, रेड ऊपर वॉयलेट नीचे। अगर रेनबो उल्टी नजर आ रही है तो आपकी लाइट आ रही है उसमें सिर्फ एक TIR हो रहा है और एक TIR से लाइट रिफ्रैक्ट होकर आ रही है। अगर दो TIR हो रहा है तो वॉयलेट ऊपर रेड नीचे, एक TIR हो रहा है तो रेड ऊपर वॉयलेट नीचे, तो नीचे वाली रेनबो की हाइट थोड़ी कम है, इसको प्राइमरी बोलते हैं और ऊपर वाली को सेकेंडरी बोलते हैं। तो इसके अंदर जो एंगल है रेड कलर का प्राइमरी का, वो 41 डिग्री है, वॉयलेट का 43 डिग्री, ऑब्जर्वर से ये 51 है और ये 54 है, ये एंगल्स हैं जिसके ऊपर रेनबो दिखाई देती है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबोज का एग्जाम्पल है। आई ना मुझे पता नहीं है, बट मैंने आपको आइडिया दे दिया रेनबोज के अंदर क्या प्रिंसिपल काम आता है। TIR का प्रिंसिपल है और डिस्पर्शन ऑफ लाइट का प्रिंसिपल है।